उत्तर प्रदेश नलकूप चालक भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। 2023 में इसकी बम्पर भर्तियां होने वाली हैं और टोटल पद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितने हैं, 5000 कुछ पदों पर वहां पर भर्तियां होंगी। और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी यहां पर आई हुई है और टोटल यहां पर मतलब समझ लीजिए 6 से 7 पद हैं जो कि इन मतलब पदों पर आप काम कर सकते हैं, नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जिन जिन लोगों को इसका इंतज़ार था और उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आइए वीडियो में अपडेट पूरी बताएँगे आपको कि कैसे आप आवेदन करेंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसमें कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता चयन प्रक्रिया सारी जानकारी डिटेल से मिलेगी। तो अंत तक देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यूपी नलकूप चालक भर्ती 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत जल्द नलकूप चालक 5724 के खाली पदों पर भर्ती करने जा रही है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यूपी में सिंचाई विभाग में 14000 से अधिक पद रिक्त हैं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन सभी पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। यूपी सिंचाई विभाग खंडीय मंडली और प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सिंचपाल, सिंच पर्यवेक्षण, जिलेदार और कार्य पर्यवेक्षण, मुंशी, हेड मुंशी और नलकूप चालक के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों को भरने जा रही है। इसके लिए विस्तृत अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी। तो स्क्रीन पर आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए पद का नाम ये है और रिक्तियां इतनी भर्तियां होने वाली हैं, तो जिस पद पर आवेदन करना चाहें आप कर सकते हैं। नलकूप चालक, जिलेदार, लिपिक, सिंचपाल, सिंच पर्यवेक्षण, सिंच और कार्य पर्यवेक्षण, मुंशी, हेड मुंशी और कुल इतने पद हैं, देख लीजिए यहाँ पर इतने कुल पद हैं, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर के टोटल 14367 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं 2023 में ये अपडेट आई हुई है और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 4587 सिंचपाल के खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। विभागीय स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए फाइल तैयार कर ली गई है और UPSSSC को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और जल्द ही इसके लिए सूचना जारी की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो आपको विभाग के नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। योग्य उम्मीदवार अभी से ही अपनी तैयारियां करना शुरू कर दें और इस पद को पाने के लिए लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी तो आप इसमें इस नौकरी को पा सकते हैं, इसमें एग्जाम होंगे तो ही आप इस नौकरी को पा पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में और भी अपडेट बताते हैं। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता हम आपको अपनी आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये देखिए यूपी नलकूप चालक भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता जो है हाई स्कूल और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन का या फिर टर्नर और फिटर, मैकेनिक और मशीनिस्ट, ट्यूबवेल मशीन, ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीसियन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड, ठीक है। इन सभी में से आपको मतलब जैसे कि हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, उसके बाद ये इसमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है। इसके बाद जो आयु सीमा होनी चाहिए ना, वो आयु सीमा आपकी होनी चाहिए ये देखिए 18 से 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और फ्यूचर डिटेल सच एज एज चेक फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, यानी कि मतलब जब ये भर्ती आएगी उस वक्त आपके साथ उम्र जो है 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद इनकी सैलरी भी आपको हम दिखा देते हैं। यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर सैलरी जो है 2023 की जो है ये देख लीजिए 5200 से लेकर के 20200 विथ ग्रेड पे और 1900 पर मंथ, ठीक है। तो ये आपका सैलरी होगा यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा और कितना मतलब कि फ़ीस इसमें लगने वाला है आपका, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ़ीस जो लगेगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और 160 आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। SC ST के लिए 95 और PWD के लिए 25 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ आपका फॉर्म भरने के लिए फ़ीस है। तो इसके लिए हम आपको ये दिखा देते हैं, यूपी नलकूप चालक भर्ती 2023 अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, यानी कि इसी साल जो है ये मतलब कि भर्तियां शुरू होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी रहें तैयार, मतलब जो भी आपने अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनवाया तो बनवा लें और आवेदन लिंक जल्द ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल आदेश का इंतजार करें, ठीक है। जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है इसको लेकर के
आप लोगों तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। और हाँ, एक बात हम आपको और बता दें कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, ठीक है। बाकी आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा, जैसे ही इस भर्ती की तारीख आएगी आप लोगों तक सूचना पहुँचा दी जाएगी।